बाढ़ के रानाबिगहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर मदन के सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार, प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलछी, प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथमलगोला, प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉ इकबाल खान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडारक ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर तथा उपहार देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा भी विभिन्न तरह के उपहार देकर उन्हें प्रतिष्ठा दी। सेवानिवृत्त उपाधीक्षक डॉक्टर मदन ने बताया कि 31 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अपना प्रथम योगदान वैशाली में दिया था। उसके बाद जब हम यहाँ आए तो यहाँ हमारे साथ कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहा और हम अपने कार्य से संतुष्ट रहे। यूं तो मेरी सेवानिवृत्ति 30 सितंबर को ही हो गई थी, लेकिन आज लोगों की आस्था और श्रद्धा से विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान लिपिक कमलनयन और पवन कुमार, साकेत कुमार भी मौजूद रहे। इतने दिन नौकरी के कुछ याद रहा आपको, तो हम सबको शेयर कीजिए। मैं 31/10/1990 से अपना प्रथम योगदान लालगंज वैशाली में दिया था। उस वक्त से अभी तक मैं कार्यरत हूँ, सभी जगह मेरा संतोषप्रद कार्य रहा। आज समारोह है, मैं कल 30/10 को ही 31/9 को ही मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरी विदाई समारोह मेरा जीवन संतोषप्रद रहा, इसमें कहीं कोई कठिनाइयां नहीं हुई। कर्मचारियों का मेरा सहयोग हमेशा बराबर सभी जगह मिला, यहाँ तो और ज्यादा मिल गया जो कि मेरे क्षमता के बाहर है। मैं यही चाहूंगा कि जनहित में सभी पदाधिकारी चिकित्सक गण जितने भी हैं और कर्मचारीगण, वो मेरे, मैं तो यही नहीं कहूँगा कि मैं अपने आप को, मैं यही कहूँगा कि सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है नियमानुसार, कर्तव्य सरकार के नियमानुसार अपना निर्वहन करना सुनिश्चित करें, जिससे कि जनहित में जनता को भलाई हो और अपने आप को संतुष्टि हो। उसमें कुछ यादें, कुछ यादें हमारी ऐसी कुछ में जो भी यादें हैं स्वास्थ्य संबंधी है, अगर कहीं भी थे जमुई भी थे, हम वैशाली भी थे, प्राणपुर कटिहार भी थे, नवादा भी थे, और आपके मकान रेफरल अस्पताल में भी थे 4 साल, उसके बाद यहाँ पे आया। क्षेत्र के लोगों से कैसा अनुभव रहा क्या? ये तो मैं यही कहूँगा कि मुझे गर्व है कि अपने क्षेत्र में जो है हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं हुई और सहयोग ही मिला है। क्या लेकर जा रहे हैं सर यहाँ से? सबका प्यार। क्या देखे जा रहे हैं? सब देखे क्या जा रहे हैं? हम अपने आप को समर्पित करके जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जो सहकर्मी हैं, चाहे यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले होंगे? आप अपने आप को स्वयं देखें, लेकिन जनहित में जनता को भी देखें, जो कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में सहयोग के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से सहभागिता बनाए। जी सर, थैंक यू सर।